तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के नेम के आगे दोस्तों कुछ इसी प्रकार से ब्लू टिक को लगाना तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने फेसबुक अकाउंट के नेम के आगे ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस नई वीडियो को। तो दोस्तों अपने फेसबुक अकाउंट पर ब्लू टिक लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आ जाता है। अब दोस्तों ऊपर आपको सबसे कोने में तीन डॉट की एक लाइन दिखाई दे रही होगी, आपको सिंपली से उस तीन डॉट के लाइन पर एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे से तीसरे नंबर पर हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको हेल्प एंड सपोर्ट वाले पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एक हेल्प सेंटर का ऑप्शन दिखाई देता है तो आपको हेल्प सेंटर वाले पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे थोड़ा वेट लेता है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अब दोस्तों यहां ऊपर जो आपको सर्च बार दिखाई दे रहा है उस पर एक बार क्लिक करना है और दोस्तों यहां पे आपको टाइप करना है वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहां पे मैं वेरिफिकेशन टाइप कर देता हूं, वेरिफिकेशन बैच। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे लिखेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाता है। अब दोस्तों जो आपको सबसे पहले वाला आंसर खुलकर आता है, हाउ डू आई रिक्वेस्ट ए वेरीफाई बैच ऑन फेसबुक, दोस्तों आपको सिंपली से उस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहां पे आपको बीच में एक ऑप्शन मिलता है हाउ डू आई रिक्वेस्ट ए वेरीफाई बैच और दोस्तों उसके नीचे आपको लिखा मिलेगा यू कैन सबमिट ए रिक्वेस्ट बाई फिलिंग आउट ए कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली से एक कॉन्टैक्ट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको मान लीजिए कि अपने प्रोफाइल में जो नेम के आगे ब्लू टिक लगाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोफाइल और पेज दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको प्रोफाइल पर लगाना है तो प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड योर फेसबुक प्रोफाइल लिंक, तो दोस्तों आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल लिंक है वो यहाँ पे आकर और दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप किस कैटेगरी से हैं दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करके और दोस्तों उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे उसको दोस्तों यहाँ पे व्हिच कंट्री इज दिस एंटिटी फॉर्म, तो दोस्तों यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से हैं दोस्तों उस कंट्री को यहाँ पे नेम जो है टाइप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इंडिया से हैं तो इंडिया लिख देंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे चूज फाइल्स का आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको सिंपली से चूज फाइल पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ से आप अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड या दोस्तों किसी भी चीज़ को जो है सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से फिलहाल हम आधार कार्ड को जो है ले लेते हैं। आधार कार्ड को लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आधार कार्ड सेलेक्ट हो गया है। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप फेसबुक से रिलेटेड आप कैसे क्यों अपने फेसबुक अकाउंट को वेरीफाइड करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे आपको लिस्ट अदर सोशल मीडिया प्रेजेंस अकाउंट्स ऑप्शनल, तो दोस्तों यहां पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने किसी और सोशल मीडिया का जो है अकाउंट का लिंक दे सकते हैं। उसका दोस्तों कोई एडिशनल कमेंट देना चाहे तो वो भी आप यहां पे नीचे दे सकते हैं। सब कुछ दोस्तों आप फिलअप कर दीजिएगा। उसका दोस्तों सिंपली से यहां पे सेंड वाले पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका वेरिफिकेशन बैच दोस्तों जो होता है वो सबमिट हो जाएगा और दोस्तों आपको कुछ ही देर बाद दोस्तों आपको एक मेल या मैसेज आ जाएगा, आपके फेसबुक अकाउंट पर नोटिफिकेशन भी दोस्तों आ जाएगा कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है दोस्तों वो वेरीफाई होने के लिए जो है एलिजिबल है या नहीं है। अगर दोस्तों एलिजिबल है तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है वेरीफाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट करिएगा और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बगल में आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।